नमस्कार, योगायत विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग, रहे निरोग, इस जो विचार के साथ जो है हम आज का अभ्यास जो है शुरू करेंगे। आज जो हम अभ्यास करेंगे वो अभ्यास करेंगे रेस्टलेसनेस के बारे में, बेचैनी के बारे में। कितनी बार क्या होता है कि जब हम काम करते हैं तो हमारे अंदर जो बेचैनी हो जाती है, सांसें फूलने लगती है, हमें दिक्कत महसूस होता है, हम काफ़ी स्ट्रेस भी फील करते हैं, जिससे जो हम कर रहे होते हैं उससे अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, उसको करने में जो दिक्कत आती है। तो ऐसे में जो है आपके कौन से योग करना चाहिए, कौन से आसन करना चाहिए रोज़ अपनी लाइफ में, जिससे कि आपको जो है लाभ मिल सके, आपको जो इस तरह की दिक्कतें लाइफ में नहीं हो। एक बात जो ध्यान रखने की बात है कि अगर आप जब आप इस तरह का आसन शुरू करते हैं तो इसे जो है रोज़ आपको अपनी ज़िंदगी में जो अपनाना होता है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन आपने किया और ये एकदम से ख़त्म हो गया, इसको आप रोज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी जो है एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो है डायनेमिक जो है मशीन है, और इस मशीन को जो है हमें हेल्दी रखने के लिए, इस मशीन को सही तरीके से जो है चलाने के लिए जो हमें योग आसनों का जो निरंतर जो है अपने जीवन में अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि जो है हम फिट रह सके और हमारी बॉडी जो है एक प्रॉपर तरीके से जो है काम कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जितने भी हेल्थ अपडेट्स हैं वो आपको जो है रेगुलर मिलते रहें। तो सबसे पहले जो है सुखासन में आराम से जो है सुखासन में बैठ जाएंगे। इस तरीके से सांस लेंगे ऊपर की ओर। पहले अपने चेस्ट में अच्छी तरीके से सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए सामने की ओर आएंगे आराम से, धीरे से, और जो वापस अगर आप सर को रख सकते हैं आराम से तो रख लीजिए। पांच सांसों तक यहाँ पे रुकेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। फिर से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे जितना आप ले सकते हैं, सांसों को ऊपर उठाइए, ऊपर खींचिए अच्छे से। सर को ऊपर कर सकते हैं तो सर को भी ऊपर कर लीजिए। हाथों को पंजों की इस तरीके से खोल लीजिए, पूरी तरीके से ऊपर ही देखेंगे। सांस लेते हो पीछे, इसको जो है पांच सांसों तक पीछे रहेंगे। इसी को जो है दो से तीन बार रिपीट करेंगे, फिर जो है वापस आ जाएंगे। फिर से एक बार सांस लेंगे सेंटर में, एक गहरा सांस लेंगे, एक हाथ को यहाँ पे रखेंगे, एक हाथ जो है पीछे लाएंगे और जो है बॉडी को ट्विस्ट करना है। यहाँ पे आपको जो है प्रेशर देना है इस नी पे, इस पंजे से आपको प्रेशर देना है और बॉडी को ट्विस्ट करना और पीछे देखना है। इसी पोजिशन में जो है आपको पांच सांसों तक रहना है, फिर वापस आना है। सेंटर में आएंगे, फिर से गहरी सांस लेंगे, फिर से एक हाथ को यहाँ पे रखेंगे, एक हाथ को पीछे, सांस छोड़ते हुए बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, पीछे की ओर देखना है आपको। इसी पोजीशन में आपको रहना है पांच सांसों तक। आराम से सांस लीजिए और सांस छोड़िए, फिर जो है वापस आ जाइए। अब जो है पाँव को इस तरीके से कर लेंगे, एक पाँव को जो है आराम से ऐसे रख लेंगे इस पंजे के ऊपर, सांस लेंगे ऊपर की ओर, अपने हाथों को मिला लीजिए, ऊपर से खींच लीजिए आराम से, फिर जो है नीचे। पांच सांसों तक रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। फिर जो है दूसरी तरफ इसे करेंगे, आराम से सांस लीजिए, दूसरे पांव से भी कर लीजिए, ऊपर सांस लेते हुए ऊपर अपनी बॉडी को खींचिए और सांस छोड़ते हुए जो है नीचे सर को जो है ज़मीन पर रख लेंगे। आराम से पांच सांसें लेंगे गहरी और पांच सांसें जो है गहरी जो आपको छोड़ना है, फिर जो है वापस आ जाना है। अब फिर से वज्रासन में बैठ जाएंगे आराम से। वज्रासन में बैठने के बाद आराम से सांस लेंगे गहरी ऊपर की ओर और फिर जो है सांस छोड़ते हुए जो है नीचे की ओर जो है। इसी पोजीशन में पांच गहरी सांसें लेंगे और पांच गहरी सांसों को छोड़ेंगे। थोड़ा सा उसके बाद साइड आ जाएंगे आराम से।
पांच सांसें साइड से लेनी है आपको और पांच सांसें साइड से जो है आपको छोड़नी, पांच सांसें फिर जो है साइड को चेंज कर लेंगे, अपोजिट साइड आ जाएंगे, आराम से पांच सांसें लेंगे, पांच सांसों को छोड़ेंगे, फिर जो पेट के बल जो है मैट पे लेट जाएंगे आराम से। अब पेट पे लेटने के बाद दोनों पंजों को जो पीछे अच्छी तरीके से मिला लेना है इस तरीके से, और पंजों के साथ नीचे और दोनों हाथों को जो है आगे की ओर इस तरीके से मिला के रखना है। सर को मैट पे रखेंगे, फोरहेड को मैट पे रख लीजिए। अब इसी पोजीशन में आपको जो है गहरी सांसें लेनी है और गहरी सांसें छोड़नी है। आराम से सांसें लेंगे, सांसों को फोर्स नहीं करेंगे, सांसों को बस डीप रखना है जिससे कि आप आराम से सांसें ले सके और छोड़ सके। इसी पोजीशन में रहें, ब्रीद इन और ब्रीद आउट, इसी पोजीशन में आपको रहना है एक से लेकर तीन मिनट तक, फिर जो है वापस आ जाए। अब जो है मकर आसन करेंगे, आराम से दोनों पाँव में पीछे गैप ले लेंगे, शोल्डर जितनी गैप ले लेंगे। अब जो अपने राइट हैंड को जो लेफ्ट हैंड के ऊपर रखेंगे, राइट हैंड को जो लेफ्ट हैंड के ऊपर रखना है, और अगर आप फीमेल हैं, महिला हैं, तो आपको जो है अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखना है। अभी मैं जो राइट हैंड को ऊपर रख रहा हूँ, तो अपने फोरहेड को जो है हैंड के ऊपर, दोनों पाँव को जो है पीछे गैप पूरा लूज छोड़ देंगे, पूरी बॉडी को इसी पोजीशन में रहेंगे, आराम से सांसें लेंगे और सांसें छोड़ेंगे। सांसों को फोर्सिबली लेना नहीं है, बस आपको ऑब्जर्व करना है कि आप सांसें ले रहे हैं और सांसें जो है छोड़ रहे हैं। एक से तीन मिनट तक इसमें रुकेंगे, फिर जो है धीरे से जो है वापस आ जाएंगे। एक से तीन मिनट रुकने के बाद जो है इसमें वापस आ जाएंगे, इन आसनों को करेंगे। इसके अलावा जो है एक योग निद्रा करेंगे और भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। इन दोनों का जो वीडियो जो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि अगर हर एक चीज़ों को मैं शामिल करूँगा एक वीडियो में तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसे आप देख भी नहीं पाएंगे, देखने में भी दिक्कत होगी और आसनों को समझने में दिक्कत होगी। तो इस वीडियो में जो जो मैंने आपको तीन चार छोटी छोटी चीज़ें बताई है रेस्टलेसनेस के लिए, वो करें जिससे कि आपकी थोड़ी सी बैक रिलैक्स हो जाए, और जब आप लेटते थोड़ा सा हार्ट रिलैक्स हो जाए, अपने ब्रीदिंग पैटर्न को सही से फील कर सके। उन आसनों के बारे में मैंने जो है आज आपको बताया। इसके अलावा दो आसन जो लिंक में मैं दूंगा, वो एक होगा योग निद्रा और एक होगा भ्रामरी प्राणायाम, इन दो को दूंगा। तो इसका अभ्यास जो आप अपने रोज़ अपनी ज़िंदगी में कीजिए, और आप देखिएगा कि आपको जो बेचैनी होती है, आपको जो रेस्टलेसनेस रहता है, वो जो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और आप जो है एक हेल्दी और फिट लाइफ जो जी पाएंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इसे देखे करे और एक हेल्दी और जो है सेहतमंद ज़िंदगी जो है अच्छे से जो है जी सके। नमस्कार।